जयपुर में दो सरकारी मदर मिल्क सेंटर चल रहे हैं। इनसे नवजात शिशुओं को जीवन दान मिल रहा है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि जैकिलोन अस्पताल में पिछले 5 साल में 2400 माताओं ने 30 लीटर मिल्क डोनेट किया है। गत 5 सालों में हजारों नवजात शिशुओं को जीवन दान मिला है। कोरोना महामारी के बाद मिल्क डोनेट करने वाली माताओं की संख्या फिर से बढ़ी है। ये मदर्स मिल्क बैंक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जेकेलॉन हमारा मदर्स मिल्क बैंक के लिए एक रीजनल सेंटर है जो पिछले 5 साल से चल रहा है। ये जो अंडर वेट न्यू बॉर्न जो वीक बच्चे होते हैं और जिनकी मदर्स का एडिक्वेट लैक्टेशन नहीं होता है, उन बच्चों के लिए जो हेल्दी मदर्स होती है जिनका एक्सेसिव ब्लड फॉर्मेशन होता है, तो जो हेल्दी लैक्टेशन वाली मदर्स होती हैं उनका मिल्क लिया जाता है। और जो मदर्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है, वीक और जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनको इन मदर्स का दिया जाता है। से जेकेलॉन में हमारे पास इतने प्री मैच्योर बच्चे, यानी कि जो समय से पहले पैदा हुए या बीमार बच्चे जो कि पैदा होने के बाद बीमार हो गए हैं, तो ऐसे बच्चे हैं जो खुद दूध नहीं पी पाते हैं। ऐसी माताएं अगर उनका मिल्क बैंक में दूध निकाल के स्टोर कर सकें तो क्या होगा कि उनका एक तो लैक्टेशन बना रहता है, वरना क्या कि अगर आप अपना दूध निकालें नहीं तो दूध आना भी बंद हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में ये मिल्क बैंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लैक्टेशन काउंसलर इनको सेंसिटाइज करते हैं, समझाते हैं